दोस्तों आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं चकरपुर आलू मंडी कानपुर में और यहां की जो पोजीशन हमें देखने को मिली, कुल मिलाकर के अब आलू की डिमांड देखने को मिल रही है और आलू लोडिंग हो रहा है और ज्यादातर दुकानों में माल नहीं मिला और ट्रकों पर लोड हो रहा था। तो हम इस टाइम राकेश आलू कंपनी पर खड़े हुए हैं, यहाँ भी माल बहुत ही कम है। अध्यक्ष महोदय हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि आज की तारीख का रेट का आज दिनांक 6 जून को किस रेट आलू बिक रहा है और क्या पोजीशन है, कितना स्टॉक लगा हुआ है, कितना आलू आ रहा है, क्या आमद है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। अध्यक्ष महोदय की ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय ऑफिस में ही उनसे चर्चा होगी और पूछते हैं क्या आलू की पोजीशन चल रही है। सर जी शुभ नाम क्या है? मैं पंकज कुशवाहा, अध्यक्ष आलू मंडी चकरपुर। आज की तारीख में रिसीव कर लीजिए फोन अगर जरूरी है तो, आज की तारीख में आलू किस रेट बिक रहा है, हाईलैंड आलू का रेट बताइए सबसे पहले। कानपुर मंडी में चकरपुर में आलू हाईलैंड की पोजीशन है, बढ़िया आलू 550 से 600 रुपए मन की। मन होता है 40 किलो का, 40 किलो के हिसाब से बिक्री होती है और उसी हिसाब से रेट होता है। सिर्फ सोना क्या रेट है? सिर्फ सोना की पोजीशन है 600 रुपए से 650 रुपए की पोजीशन है, बढ़िया शुगर फ्री 750 रुपए तक बिके हैं 40 किलो। हाइब्रिड आलू क्या रेट है? हाइब्रिड आलू 500 रुपए से 550-560 रुपए की पोजीशन है, अच्छे आलू की। 3797 वगैरह क्या रेट? 3797 आज 550 से 600 रुपए की बाजार रही है कानपुर। सर पिछले 8 दिन की अगर बात करें तो मंडी कुछ ना कुछ टाइट हुई थोड़ी बहुत? हाँ, पीछे कुछ बिक्री कुछ कमजोर थी, लेकिन इधर जो है 2-4 दिन से बिक्री में थोड़ा सुधार आया है, बाजार में बिक्री ठीक हो रही है। कुल मिलाकर के अब डिमांड सर बढ़ गई? हाँ, पीछे से कुछ डिमांड बढ़ रही है। अच्छा माल आ रहा सर? आमदनी बाजार में आ रही है, 50-60 गाड़ी की आमदनी हमारी चकरपुर मंडी में समय है और जितना माल आता उतनी सेल भी हो रही है। ये नहीं है कि बैलेंस सब नहीं बचा, बैलेंस नहीं बच रहा जी। अच्छा सर पिछले साल का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल के अपेक्षा इस साल क्या पोजीशन है इसी टाइम पे 6 जून? पिछले साल की अपेक्षा अगर कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल भी जो है निकासी इसी रेशियो में चल रही थी, जिस रेशियो में अभी चल रही है। अब होता ये है कि ज्यादातर जब बारिश वगैरह हो जाती है, हरी सब्जियां कुछ कम हो जाती हैं, तो आलू की बिक्री में सुधार आता है और किसान व्यापारी भी जो है फिर माल निकालने के लिए और तैयार होते हैं। ज्यादातर कोल्ड मालिकों से बात हुई, मैनेजरों से बात हुई, कहते हैं कि मई के महीने में निकासी नहीं हुई, 6 जून हो गया निकासी नहीं हुई, आने वाले समय में आलू की स्थिति गंभीर हो जाएगी, क्या ऐसा है सर कुछ? हाँ, उनका भी कहना कहीं कुछ हद तक ठीक है। जैसे कि अगर किसान या व्यापारी, जिन व्यापारियों ने खरीद के रखा या जो किसानों के हाथ में आलू है, अगर वो समय रहते हुए माल को रेगुलर निकालेंगे तो लास्ट में जो है बैलेंस ज्यादा नहीं बचेगा। अगर निकासी कमजोर हो जाती है तो लास्ट में जब बैलेंस बचता तो बाजार का दबाव बन जाता है, जिससे लास्ट में पोजिशन खराब होने के भी आसार हैं। तो मैं सभी किसान व्यापारी भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि इन माल को जो है ज्यादा स्टॉक ना करें, बाजार का रुख देखते हुए सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा आलू बेचते हुए चलें, जिससे लास्ट में बाजार पर ज्यादा लोड ना पड़े और बाजार सही चलती रहे। आगरा मंडल की अगर बात करते हैं तो सर वहां पर 12 से लेकर 15% तक निकासी हो जाती है और 31 मई तक, और कानपुर मंडल की अगर हम बात करते हैं 4-5% निकासी होती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि निकासी के क्षेत्र में आगरा मंडल सदैव आगे रहा, वहाँ की निकासी पहले शुरुआत हो जाती है और बाहर की भी लोडिंग होती चारों तरफ की, तो निकासी में आगरा मंडल आगे रहता, उसके बाद इधर कानपुर हो गया, ये फरकाबाद क्षेत्र, उसके बाद चलता जी। वहाँ का माल भी अच्छा है? हाँ, वहाँ की क्वालिटी बहुत सुपर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू है, बहुत बढ़िया माल है। वहाँ हमने कई कोल्ड मालिकों से बात की तो कह रहे थे साउथ जाता ज्यादातर आलू, साउथ। हाँ, साउथ में काफी अच्छी लोडिंग है वहाँ से, आगरा से, उसकी क्वालिटी मजबूत है, कलर भी अच्छा है, तो साउथ की ज्यादा डिमांड है वहाँ से। आने वाले कुछ समय के लिए 2-3-4 दिन में क्या मार्केट कुछ घटेगी बढ़ेगी उम्मीद? नहीं, अभी दबाव तो कुछ ऐसा नहीं है बाजार में, ठीक है पोजीशन, घटने के तो कोई अभी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर आगे जैसा होता वो अलग की बात है। ये हमारे साथ अध्यक्ष महोदय बात कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को हम हर जगह का पोजीशन बताते रहे हैं तो उसी लाइन में आज कानपुर मंडी की भी पोजीशन बताई कि मंडी ठीक है, कुल मिलाकर 10-20 रुपए टाइट ही है और माल की डिमांड भी चालू हुई। और कुछ कहना चाहते सर?
और सारी जानकारी तो आप लोगों दे दी है, लेकिन मैं आप समाज की नजर का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडियों में आप लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोल्डों में जाते हैं, जिससे हम सभी व्यापारियों को आलू की एक्चुअल पोजीशन किस बाजार की, किस मार्केट की क्या है, उसकी जानकारी मिलती है। और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं आलू मंडी अध्यक्ष पंकज कुशवाहा अपनी मंडी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों की इतनी सराहना की और मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ कानपुर मंडी का जो रेट आज की तारीख था, जो रेट है, वो हमने बताने का सही सटीक प्रयास किया है।